नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज बात करेंगे बंगाल की राजनीति और बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। एक दौर था जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, उस परिणाम के बाद तृणमूल कांग्रेस में कहीं ना कहीं हड़कंप मचता सा दिखा था और ऐसा लगा था कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम सकते हैं। और कुछ ऐसा ही मुकुल राय साहब ने कहा भी था, लोग कुछ आए भी थे, लेकिन उस अनुपात में नहीं आए जो संभावना बन रही थी। अब एक दौर ऐसा है कि जो आए हुए हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। अब इस पर सवाल है और इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था तब स्थिति ये बता रही थी कि अगर विधानसभा के अब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी जबरदस्त यहाँ पर होती है। और एक समय ऐसा आया था जब ऐसा भी लगने लगा था कि सरकार तो भाजपा की है, लेकिन उसके बाद माहौल बदला है, आंकलन बदले हैं, क्योंकि राजनीतिक स्थितियां बदली है। जो पार्टी के नेता हैं उनकी सोच, उनका विचार, उनकी कार्यप्रणाली, उनका अंदाज बदला है। ममता बनर्जी, जो कि लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले और परिणाम के कुछ दिन बाद तक जिनका अंदाज एकदम अलग था, लेकिन धीरे 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 जब उनको अपनी स्थिति दिखी, अपनी हकीकत दिखी, उन्होंने अपना मिजाज बदला, अपना अंदाज बदला, उनके भावों में विनम्रता आई और पार्टी में उनको जो कुछ परिवर्तन करना चाहिए था उन्होंने धीरे धीरे किया। और अब हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जो गुमान था कि इतनी सीटें तो हमारी है, अब वो जो संभावित धन था सीटों का, वो उनके हाथ से, वो उनके प्याले से धीरे धीरे निकलता हुआ महसूस हो रहा है। अब आपका सवाल हो सकता है इसकी वजह क्या है। देखिए, केंद्र सरकार का प्रभाव यहां पर अब नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है वो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हो रहा। कभी कभी लोग कह देते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों से लोग नाखुश हैं इसलिए वो परिणाम हमारे यहां हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जो कुछ बदलाव है, जो कुछ प्रभाव है, वो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं की वजह से, उनके मन के अहम की वजह से और उनके झूठे वहम की वजह से। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की अपनी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अधिक घमंड है, जिनकी भाषा पर, जिनके शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है। पता नहीं ये लोग अभी अपने आप को क्या समझते हैं। और सवाल तो तब है अगर इनकी सरकार आ गई तो फिर इनके कदम जमीन पर रहेंगे या नहीं। आज तृणमूल पार्टी के जो आए हुए लोग हैं वो अगर यहां से छोड़कर जा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार, पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी बंगाल की इकाई है। आप देखिए किस तरह से टकराव है, किस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। अर्जुन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, और मुकुल राय के लिए भी कुछ अफवाहें चली थी कि वह भी खुश नजर नहीं आ रहे, हालांकि उन्होंने खंडन किया है। ये खंडन मुंडन तो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन साहब बिना आग के धुआं नहीं उठता।
कुछ ना कुछ जरूर है। और दिलीप घोष जी का आज का बयान तृणमूल पार्टी के एक नेता जो बीजेपी में आए थे और बीजेपी से वापस उन्होंने तृणमूल का दामन थाम लिया है, उसके बाद उनका बयान कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते और हम अपने ही बलबूते पर जीतने में सक्षम हैं। ये बयान नहीं है, ये दिलीप घोष साहब का घमंड बोल रहा है, ये अहम बोल रहा है। और यही वजह बनेगा आने वाले चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को खराब करने का। और सिर्फ ये दिलीप घोष साहब का अहम नहीं है, इस पार्टी में अलग अलग गुट हैं और अलग अलग गुट के नेताओं में ये सभी के पास अहम है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। कुछ अच्छे नेता भी हैं, कुछ सालीन भी हैं, कुछ भले भी हैं, मैं उनको अपनी इस बात से अलग कर रहा हूं। पार्टी का झंडा जब ये पकड़ाते हैं ना किसी दूसरे पार्टी से आए हुए नेता को, इधर झंडा पकड़ाते हैं और उधर उसके पैर को काटने की काट सोचने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मैंने घमंड भी देखा है, मैंने सोच की संकीर्णता भी देखी है। ये दूसरे लोगों को सम्मान देना नहीं जानते, इससे बेहतर कांग्रेस के नेता देते हैं। भले ही कांग्रेस के हालत आज कुछ भी हो और कांग्रेस ने देश के साथ जो इन वर्षों में किया वो चाहे कितना भी निंदनीय क्यों ना हो, लेकिन बात सोच की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन का अभिमान, और जब दूसरी पार्टी के नेता जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो ये नेता तुरंत ये सोचने लग जाते हैं कि ये जो आया है, इसकी जो एंट्री हुई है, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं उसकी विधानसभा की सीट इसके नाम तो नहीं हो जाएगी, और तभी ये तुरंत काटना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जो दूसरी पार्टी के आए हुए नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे, ये कड़वा सच है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता अगर इस अहम और वहम में रहें तो याद रखिएगा 2021 में जो सत्ता आपके बिल्कुल हाथ में, बिल्कुल पास में बंगाल की दिख रही थी, वो आपसे खिसक कर चली जाएगी। क्योंकि बिना सत्ता में आए हुए भी आपके मन में इतना गुमान है, इतना अभिमान है, और लोगों की शिकायतें हैं। मेरे पास तो ऐसे उदाहरण हैं जो ये सोचने को मजबूर करते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो युवा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था विश्वास रखते थे, वो अगर अपने क्षेत्र का कोई काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करवाने के लिए चले गए तो उन्होंने उनसे पैसे मांग लिए और वही काम तृणमूल के लोगों ने उनका निशुल्क कर दिया। अब बताइए आस्था किधर जाएगी? चाहे आपके मन में कितनी ही भाजपा क्यों न बैठी हो, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो अगर सही रूप से काम नहीं करेंगे तो आप भाजपा का दामन कब तक थामे रहेंगे? मैं एक पत्रकार हूं, मेरे लिए सभी पार्टियां बराबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर मेरी भागीदारी हुई है। मोदी जी के पक्ष में मैंने अपनी बात रखी है, इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अहम को देखता हूं, मिजाज को देखता हूं, अंदाज को देखता हूं, बड़पोलापन देखता हूं, और इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार और इस तरह की अशालीनता देखता हूं, तब बोलना पड़ता है। और सच कह रहा हूं, अगर नहीं सुधरोगे तो बहुत कुछ आपके हाथ से जो आया हुआ है वो चला जाएगा। मिजाज सुधार दीजिए, अंदाज सुधार दीजिए, यह पब्लिक है, इसे जब पता चल जाएगा ना तो वह प्रदेश में मोदी को देख करके वोट नहीं देगी, देश के लिए मोदी को वोट दिया है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के व्यक्तित्व को देखा जाएगा, उनकी शख्सियत को देखा जाएगा, उनके वजन को देखा जाएगा,
अगर आप उस पर खरे नहीं उतरे तो इस प्रदेश के वोटर को फिर कहीं ममता जी के पास ही जाना नहीं पड़ जाए, क्योंकि ममता जी अपना अंदाज बदल रही है, वो लोगों के करीब आ रही है। जो पहले उनके अंदर एक तानाशाही प्रवृत्ति दिखती थी कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब वो नहीं है। कुछ नीतियां जिन पर प्रदेश के लोगों का विरोध है वो बात अलग है, लेकिन जब प्रदेश की बात आएगी तो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलते, तब प्रदेश के मुद्दे चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस सांचे में फिट नहीं हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से, शीर्ष नेतृत्व से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शालीनता सिखाएं, उनको बोलने का तौर तरीका सिखाएं, उनको शब्दों की के प्रयोग का, शब्दों के चयन का वो तरीका समझाएं, क्योंकि एक गलत कमेंट, एक गलत स्टेटमेंट पूरी बाजी को पलट देता है। और जिस स्टेटमेंट में, जिस कमेंट में, जिस वक्तव्य में अहम दिखता हो, घमंड दिखता हो, जनता उस नेता से, उस पार्टी से हाथ खींचने को मजबूर हो जाती है। भले ही प्रदेश के लोगों में मोदी दिल में बसे हुए हैं, लेकिन जब प्रदेश में वोटिंग करेंगे तो उनको ये दिखेगा कि उनका काम किससे पड़ना है। और माफ कीजिएगा, प्रदेश के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनमें कुछ को छोड़कर सबके अंदर अहम बोल रहा है, अधिकांश के अंदर अहम बोल रहा है। उनकी चाल से, उनकी शैली से, उनके बर्ताव से, उनके व्यवहार से पता नहीं ये अपने आप को कहां का सहनसान समझने लगे हैं। अभी यहां की सत्ता उनके हाथ में आई नहीं और उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इनको ईमानदारी भी बनाइए। इनकी ईमानदारी पर लोगों को शक है। सत्ता हाथ में आने के बाद में ये भी मलाई खाने की कोशिश में है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल का विकास करना है, शीर्ष नेतृत्व को यहां पर गंभीरता बरतनी होगी। ममता बनर्जी से मुकाबला जब लोकसभा चुनाव परिणाम आया था तब आसान था, लेकिन अब वो मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है, बहुत कड़ा हो गया है। अब आप ये मत समझिएगा कि सत्ता तस्तरी में रखी हुई है और आप उठा लेंगे। अब सत्ता तस्तरी से बाहर निकल चुकी है, आपसे दूर है। अगर ईमानदारी से चलोगे, शालीनता से चलोगे, विनम्रता से झुककर जनता के बीच चलोगे, आपस के मनमुटाव खत्म करोगे, एक दूसरे को सम्मान देना सीखोगे, तभी ये सत्ता आपके सर पर आएगी, तभी ये ताज आएगा। वरना बाजे बजाते रह जाओगे, सत्ता का ताज फिर ममता के हाथ में चला जाएगा। स्थितियां बदल गई है, माहौल बदल गया है। मोदी जी की परफॉर्मेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, मोदी जी की परफॉर्मेंस संतोषजनक है। जनता को मोदी से शिकायत नहीं है, जिस तरह से राजस्थान में था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। यहां पर कहीं बंगाल की जनता यह कहने नहीं लग जाए कि बंगाल भाजपा की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। मेरी भाषा, मेरे शब्द, मेरा अंदाज आपको कड़वा लगेगा, लगे, लेकिन अगर बंगाल में आना चाहते हैं तो सम्मान देना सीखिए, शालीनता की भाषा बोलना सीखिए। अपने आप को सहनसा मत समझिए, ये जनता है। कब ताज पकड़ाती है और कब सड़क का रास्ता दिखाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए उस गुमान में मत रहिए, विनम्रता के साथ आइए। जनता मोदी जी के लिए तो तैयार है, लेकिन आपके लिए तैयार नहीं है। और आपको अगर अपने लिए तैयार करना है तो फिर आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा।
ये कड़वा सच है बंगाल की राजनीति में भाजपा की स्थिति का, और बड़े क्षमा याचना के साथ दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर मैंने अपनी बात रखी है, चाहे मोदी जी के लिए बोला हूं, लेकिन भाजपा का समर्थन हुआ है वहां पर। और आप जिसका समर्थन करते हैं उससे आपकी अपेक्षाएं भी होती है, और अगर वो आपकी अपेक्षा पर कुठाराघात करता है तो फिर आपके सवाल भी होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल भाजपा इकाई से मेरे ये सवाल हैं, जनाब अपने आप को सुधारिए, 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 अपनी भाषा पर लगाम रखिए, अपना अंदाज भी नम्र कीजिए, वरना जहां हैं वहीं नहीं रहोगे, वहां से भी नीचे चले जाओगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।